नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक फर्जी टीआरपी रैकेट से जुड़ा बड़ा खुलासा किया। आज की बड़ी खबर है, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर रिपब्लिक चैनल का नाम लिया और आरोप लगाया कि रिपब्लिक चैनल ने पैसे देकर फर्जी तरीके से टीआरपी बढ़ाई। मुंबई पुलिस ने बताया कि मुंबई में फर्जी टीआरपी रैकेट चल रहा था और पैसे देकर टीआरपी में हेरफेर किया जा रहा था। कमिश्नर ने बताया कि रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर अपने चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाई, टीआरपी पॉइंट्स बढ़ाए। रिपब्लिक टीवी के कुछ बड़े अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। दरअसल जिन घरों में टीआरपी मापने के मीटर लगे हुए हैं उन घरों को पैसे दिए गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी के बैंक अकाउंट्स की जांच करेगी और यही नहीं, रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर की भी जांच होगी और जल्द ही रिपब्लिक टीवी के मालिक को समन भेजा जा सकता है। बार्क, वो एजेंसी जो कि रेटिंग जनरेट करती है, उसकी शिकायत पर मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जानकारी भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी दी जा चुकी है कि वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे। तो कुछ बड़े पॉइंट्स मुंबई पुलिस की इस जांच के आपके सामने हैं इस वक्त और एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा मुंबई पुलिस ने किया। ये धोखाधड़ी हो रही थी और ये आपके साथ धोखाधड़ी हो रही थी क्योंकि आप ये तय करते हैं कि कौन सा चैनल, कौन सा माध्यम लोकप्रिय है, आप किसे देखना सुनना पसंद करते हैं और उसके साथ छेड़खानी की जा रही थी। फर्जी तरीके से पैसे देकर टीआरपी बढ़ाई जा रही थी और यह नंबर का खेल खेला जा रहा था। एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन स्ट्रेंथ टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कन्फर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, दो चैनल के ओनर्स फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने टीआरपी के इस फर्जीवाड़े पर पूरे तफसील से बात की। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने और क्या क्या बताया आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।